हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स का चैप्टर 10 मेजरिंग टाइम उसमें का प्रॉब्लम सेट 45 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग मतलब आपको नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए जिनको आपको एडिशन करना है। तो देखिए एग्जांपल नंबर वन क्या है, 2 hours 30 minutes प्लस 4 hours and 55 minutes। तो इनके हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो एडिशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस तरह का आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। इसमें दो कॉलम्स करने हैं, वो एक में लिखना है हर्स एंड एक में लिखना है मिनट। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 2 hours है तो हर्स के कॉलम में हर्स लिखेंगे और मिनट के कॉलम में मिनट लिखेंगे। तो ये हो गया 2 hours and 30 minutes। अब देखिए उनकी हमें करनी एडिशन। अब नेक्स्ट क्या है, 4 hours and 55 minutes, यानी हर्स के कॉलम में हर्स और मिनट के कॉलम में मिनट। ये हो गया। अब इनकी एडिशन किस तरह से करेंगे, 0 plus 5 5 और 3 plus 5 8। तो ये देखिए ये क्या हो गया, 85 और 2 plus 4 यानी 6। तो ये हो गया आपका 6 hours and 85 minutes। तो आपको सभी को पता होगा 60 minutes इज इक्वल्स टू होता है 1 hours। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 85 minutes है तो 85 minutes हम इस तरह से नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, 85 minus 60 करेंगे। अब 85 minus 60 करें तो कितना होगा, 25 आया। और आप देखिए अगर इसमें से 85 minus 60 करें तो ये हो गया 25। तो इसका जो एक मतलब 60 minutes जो थे वो माइनस करें तो ये 1 hours हो गया। तो अब हम इसमें 1 hours एडिशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 6 plus 1 यानी ये हो गया आपका 7। तो आंसर क्या आया आपका, 7 hours and 25 minutes। तो हम कैसे लिखेंगे, 7 hours and 25 minutes। देखिए ये होगा आपका फर्स्ट वाला सॉल्व। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का है सब क्वेश्चन 2। तो वो क्या है, 3 hours 50 minutes प्लस 4 hours and 20 minutes। तो इसकी भी हमें एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से एक दो कॉलम ड्रॉ करेंगे, एक हर्स का कॉलम और एक मिनट का कॉलम। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो मतलब हर्स है उसकी जगह पे हर्स लिखेंगे और मिनट की जगह पे मिनट। तो ये होगा 3 hours and 50 minutes। इसके बाद देखिए 4 hours and 20 minutes। तो इनकी हमें करनी है एडिशन। ये होगा अब क्या करेंगे, 0 plus 0 0, 5 plus 2 यानी 7 और 3 plus 4 यानी 7। तो देखिए ये होगा 7 hours and 70 minutes। तो देखिए इस तरह से 70 minutes जो है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए एक घंटा यानी एक hours इसमें से निकल रहा है। तो आपको पता होगा ना 60 minutes is equals to 1 hours। ये है। तो अब हम क्या करेंगे, 70 मिनट में से 60 hours माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 10। और यहाँ पे जो है वो एक hours माइनस करें तो वो मतलब देखिए अगर 60 माइनस करें तो यहाँ पे एक hours बच गया। तो हम क्या करेंगे, इसकी एडिशन इसमें करेंगे यानी 7 plus 1 is equals to 8। तो आपका आंसर क्या है, 8 hours and 10 minutes। तो ये आया 8 hours and 10 minutes। देखिए ये होगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 3। यानी देखिए हर्स उसमें भी इसी तरह का कॉलम ड्रॉ करना है, सेम इसी तरह का ऊपर जिस तरह से किया था। और अब क्या करेंगे, जो हर्स की जगह पर हर्स लिखेंगे और मिनट की जगह पे मिनट लिखेंगे। अब देखिए ये 3 hours 45 minutes और प्लस 1 hours and 35 minutes ये लिख दिया। और इनकी करनी है हमें एडिशन। अब देखिए 5 plus 5 10 10 का 0 1 इसको यानी 4 और 1 5 5 1 3 8 यानी होगा 80 और 3 plus 4 1 यानी 4। ये देखिए ये हो गया 4 hours and 80 minutes। अब देखिए आपको पता है 60 minutes is equals to 1 hours, ये सबको पता होता है, ये आम है। अब देखिए घड़ी सभी को मालूम होता है किस तरह से देखा जाता है। अब क्या करेंगे, 80 मिनट है तो इसमें देखिए एक hours छुपा हुआ है यानी एक hours 60 मिनट का होता है। तो हम क्या करेंगे, 80 minus 60 करेंगे। तो ये देखिए ये क्या हो गया, 20। हाँ आपका 20 आया। अब अगर इसमें से एक hours निकलता है तो हम इसमें एक एडिशन करेंगे यानी 4 plus 1 यानी 5। तो ये हो गया आपका 5 hours and 20 minutes। ये हो गया। तो अब इसे कैसे लिखोगे आप, 5 hours and 20 minutes। तो देखिए यहाँ पे आपका 3 number का जो है वो पूरा हुआ। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्या है वो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 4। तो देखिए 4 hours 4 hours and 50 minutes प्लस 2 hours and 50 minutes।
तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन लोग की हमें एडिशन करना है, तो हम जो आवर्स का कॉलम है उसमें आवर्स लिखेंगे और जिस जो मिनट का कॉलम है उसमें मिनट लिखेंगे। तो पहले 4 hours and 50 minutes, उसके बाद देखिए 2 hours and 50 minutes। अभी इसकी करनी है हमें एडिशन। अब देखिए क्या करेंगे, 50 यानी 5 + 0 = 5, 1 + 1 + 5 यानी 6। अब देखिए ये होगा 65। और अभी हर्स का कॉलम एडिशन करेंगे, 4 + 2 यानी 6। अब देखिए 6 hours and 65 minutes, तो आपको पता होगा 60 minutes = 1 hours। अब देखिए यहाँ पे 65 minutes है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 hours माइनस करेंगे यानी 60 minutes माइनस करेंगे, तो क्या होगा 65 - 60, तो क्या होगा आपका 5। ये देखिए 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे से जो 60 मिनट माइनस किया वो यहाँ पे 1 hours एडिशन करेंगे, तो अब क्या होगा 7। तो देखिए 7 hours and 5 minutes। अब क्या लिखेंगे हम, 7 hours and 5 minutes। ये देखिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या है, आपको सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, यानी इसमें आपको माइनस करना है, ऊपर जो था सेम उसी तरह से एडिशन करना था और यहाँ पे आपको सेम माइनस करना है। तो देखिए माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपको उसी तरह से सेम जो ऊपर कॉलम ड्रॉ किया है उसी तरह से एक कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, और कॉलम ड्रॉ करने के बाद एक आवर्स का कॉलम और एक मिनट का कॉलम। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 3 जो हवर्स है उसको हवर्स के कॉलम में लिखेंगे और 10 मिनट को 10 मिनट के कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट माइनस है और 2 hours and 40 minutes यानी 2 hours and 40 minutes ये हो गया। अब देखिए 10 में से कभी भी 40 नहीं जा सकता, कभी भी छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होता है, तो अब हम क्या करेंगे, बाजू में से जो हर टाइम लेते थे सब चेक करते थे हम बाजू में से कैरी वन, उसी तरह से यहाँ पे भी हम बाजू में से 1 hours कैरी लेंगे, यानी यहाँ पे हम मैंने अगर 1 hours लिया तो इसके पास ओनली 2 बच जाएगा, यानी 2 hours बच गया। अब देखिए 1 hours यानी कितना, 60 मिनट, और ये है 10 मिनट, यानी 60 मिनट में हम 10 मिनट ऐड करेंगे, तो 10 मिनट ऐड किया तो ये क्या होगा आपका 70 मिनट। अब देखिए 70 मिनट और 40 मिनट, आप 70 मिनट में से 40 मिनट माइनस कर सकते हो। आप 70 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना होगा 30। और अब देखिए हवर्स के कॉलम में से आवर्स माइनस करेंगे यानी 2 - 2 = 0, तो आपका क्या आंसर आया, ओनली आया 30 मिनट्स। ये देखिए ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन कंप्लीट, बहुत इजी है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2, इसमें भी देखिए 5 hours and 20 minutes - 2 hours and 35 minutes। अब देखिए इसमें भी सेम जो आवर्स का हॉर्स का कॉलम है उसमें आवर्स लिखेंगे और मिनट के कॉलम में मिनट लिखेंगे। अब देखिए 2 hours and 35 minutes, इनकी हमें करनी है सब्सट्रैक्शन। अब देखिए ये क्या, अब क्या करेंगे, 20 में से कभी भी 20 में से 35 कभी भी छोटे में से बड़ा माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं बाजू वाले पास से मांग के लेते हैं, तो बाजू वाले के पास क्या है 5 है तो वो इसको एक दे सकता है। तो देखिए पिछले टाइम 1 carry लेते थे, तो अब हम यहाँ पे अब पिछले टाइम में जो सब्सट्रैक्शन करते थे तो 1 carry लेते थे, तो यहाँ हम 1 hours कैरी लेंगे, यानी 1 hours इसने हमको दिया, तो 1 hours यानी कितना 60 मिनट, ये आप सबको पता है। और 60 मिनट में 20 ऐड करेंगे तो कितना होगा 80 मिनट, ये हो गया। अब देखिए 80 मिनट है और ये 35 मिनट है, यानी ये होगा आपका कट, और 80 मिनट में से आपको 35 मिनट माइनस करना है, यानी क्या करेंगे आप, आपका आंसर आएगा 45। अब देखिए इस 5 ने अगर इसको 1 hours दे दिया तो इसके पास 1 hours कम हो जाएगा, यानी ये हो गया 40 hours। अब देखिए 4 - 2 यानी 2, तो आपका आंसर क्या आया 2 hours and 45 minutes, तो आपका आंसर आया 2 hours and 45 minutes। ये देखिए यहाँ पे आपका 2 वाला कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3, 4 hours and 25 minutes - 1 hours and 55 minutes, तो इसमें भी हमें क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है। तो देखिए जो आवर्स का कॉलम है उसमें आवर्स लिखेंगे और जो मिनट का कॉलम है उसमें मिनट लिखेंगे, 4 hours and 25 minutes।
इसी तरह से 1 hour एंड 55 मिनट। अब देखिए 5 + 20, देखिए अब 25 + 55, 25 55 से छोटा है, कभी भी छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू में से 1, मतलब अगर आपके पास कम हो तो बाजू में से मांग के ले लेते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे बाजू में से 1 मांग के लेंगे। तो अब देखिए आप सभी को पता होगा कि अगर ये आपने पिछले टाइम सब्सट्रैक्शन किया होगा अगर पहले, तो अगर 1 कैरी मांगोगे तो 1 इसको एक जाएगा और इसको कम होगा। तो अब देखिए ये हावर्स है यानी आवर्स है, यानी क्या ये 4 hours है, तो इसको भी यहाँ पे आवर्स यानी यहाँ पे अगर वो 1 इसको देगा यानी 60 मिनट देगा उसको वो, तो यहाँ पे कम हो जाएगा यानी ये 3 hours हो गया। अब इसने इसको एक 60 मिनट दे दिया और इसमें क्या करेंगे 25 ऐड करेंगे, तो 25 ऐड करने के बाद क्या होगा 85। अब देखिए सब्सट्रैक्शन करने में आसानी होगी, अब 85 में से 55 माइनस कर सकते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करेंगे 5 - 5 = 0 एंड 3 - 5 = 8 - 5 = 3, और देखिए 3 hours में से 1 hour माइनस करिए यानी 2 hours, तो आपका आंसर क्या आया 2 hours and 30 minutes। ये देखिए ये होगा। इसी तरह से नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 4 देखेंगे। तो आप देखिए ये क्या है, इसमें भी सेम उसी तरह से करना है, जो आवर्स का कॉलम है उसमें आवर्स लिखना है, जो मिनट का कॉलम है उसमें मिनट निकला है लिखना है। तो 6 hours 50 minutes माइनस 2 hours and 45 minutes, तो हर्स के कॉलम में जल्दी से आवर्स लिख लेंगे, मिनट के कॉलम में मिनट वापस 2 hours and 45 minutes, और इसकी करनी है हमें सब्सट्रैक्शन। तो आप सभी को पता होगा 60 मिनट इज इक्वल्स टू वन आवर्स। ये देखिए होगा। अब देखिए आपको मालूम है अगर यहाँ पे कम है, 15 जो है 45 से छोटा है, इसलिए 15 में से 45 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे बाजू में से 1 कैरी लेंगे, बाजू में से 1 कैरी लेंगे यानी मतलब क्या, ये अपना एक 1 hours जो है ना इसको देगा यानी 1 hour यानी क्या 60 मिनट, यानी ये इसको 60 मिनट देगा और ये 50 मिनट है आपका यानी प्लस 50 मिनट, तो ये कितना होगा 75। अब देखिए ये होगा कैंसिल, अब 75 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5 - 5 = 0 और 7 - 4 = 3। अब देखिए 5 hours में से 2 hours माइनस करोगे तो 3 hours, तो आपका आंसर क्या आया 3 hours and 30 minutes। ये देखिए ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे आपका। तो चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, अ गवर्नमेंट ऑफिस ओपन एट 7 इन द मॉर्निंग एंड क्लोज एट 3 इन द आफ्टरनून, हाउ लॉन्ग इज दिस ऑफिस ओपन। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफिस यानी एक गवर्नमेंट ऑफिस है वो जो है ना ओपन एट 7 इन द मॉर्निंग यानी वो सुबह में 7 बजे ओपन होता है और शाम की आफ्टरनून यानी दोपहर में 3 बजे वो क्लोज हो जाता है। तो वो पूछ रहे कि कितने वक्त तक मतलब कितने समय तक वो ऑफिस ओपन रहता है दिन में, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये हमें आंसर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन लिखने से पहले सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, हमें क्या करना पड़ेगा 12 hours क्लॉक को हम क्या करेंगे 24 hours में कन्वर्ट करेंगे, 24 hours क्लॉक में करेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द 24 hours क्लॉक ये लिख लिए। अब देखिए 24 hours क्लॉक ये आपको मालूम पड़ गया कि हमें 24 hours क्लॉक में कन्वर्ट करना है। आप क्या करेंगे 7 in the morning यानी क्या 24 hour क्लॉक में भी 7 ही बजेंगे। देखिए 12 hours क्लॉक में 12 बजे मतलब दिन के जो 12 बजते हैं मॉर्निंग के, तो 24 hours क्लॉक में भी 12 ही बजेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा 12 बजे के बाद जो टाइमिंग चेंज होता है यानी 1 बजता है 2 बजता है तो वो आपका चेंज होगा, तो मॉर्निंग इज 7 ही होगा। तो देखिए 7 एंड क्या लिखेंगे, एंड क्या है 3 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी क्या देखिए 12 यानी 12 बजते हैं, 24 hours क्लॉक में भी 12 बजते, अगर 12 hour क्लॉक में 1 बज गए यानी 1 बज गए, 24 hours क्लॉक में 1 बज गया, अगर 24 hours क्लॉक में अगर 24 hour 12 hours क्लॉक में 1 बजते तो यहाँ 24 hours क्लॉक में
13 बचते हैं, यहाँ 2 बचते हैं तो यहाँ 14 बचते हैं, यहाँ 3 बचते हैं तो यहाँ 15 बचते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून यानी यहाँ पे कितने बजेंगे, 24 आवर्स क्लॉक में यहाँ पे कितने बजेंगे, 15 बजेंगे। ये देखिए ये होगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जिस तरह से हम कॉलम ड्रॉ करते थे, एक आवर्स का कॉलम, एक मिनट का कॉलम, सेम उसी तरह से एक आवर्स कॉलम और एक मिनट का कॉलम ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो आवर्स है उसमें आवर्स लिखेंगे और जो मिनट है उसमें मिनट लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 50 आवर्स यानी 00 आएगा माइनस 7 आवर्स, यहाँ पे भी 00 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो हम इसकी क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। अब देखिए 0 0 0 0 माइनस 0 0 5 15 माइनस 7 यानी क्या होगा, 8। तो देखिए अब मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आया है, द ऑफिस remained open for 8 hours। यानी वो ऑफिस जो है ना, सुबह मॉर्निंग में अगर 7 बजे चालू होती है तो दोपहर में 3 बजे बंद होती है। इसका मतलब वो सुबह 7 से लेके दोपहर के 3 बजे यानी दिन में 8 घंटे वो ऑफिस खुले रहती है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ए मूवी स्टार्ट एट 45 मिनट पास्ट 3 इन द आफ्टरनून एंड फिनिश 2.5 आवर्स लेटर, एट व्हाट टाइम डज द मूवी एंड। यानी आपको एक देखिए, एक क्वेश्चन, एक मूवी है जो दो आफ्टरनून यानी दोपहर में 3:45 में चालू हुई और वो ख़त्म कितनी हुई, 2.5 यानी दो 20 मिनट पास्ट 2 ऐसे, मतलब वो ख़त्म 30 मिनट पास्ट 2 यानी वो 2:30 बजे मतलब 2.5 घंटे में वो ख़त्म हो गए। तो पूछ रहे कि वो मूवी टोटल कितने बजे ख़त्म हुई, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम क्या लिखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 45 मिनट पास्ट 3 इन द आफ्टरनून जो था वो मूवी क्या था, शुरू हुआ। इसका मतलब क्या, 45 मिनट पास 3 यानी क्या, 3:45 पे वो मूवी शुरुआत हुई दोपहर में। और देखिए ख़त्म क्या हो, कब हो गई वो, 2.5 यानी क्या, वो बराबर 2:30 में वो मूवी ख़त्म हो गई, 2:30 यानी क्या, 30 मिनट पास 2। हाँ अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसकी एडिशन करेंगे तब हमको जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो मूवी किस टाइम पे ख़त्म हुई। तो 3:45 को शुरू हो गई तो उसमें हम 2:30 ऐड करेंगे तब हमको पता चलेगा कि वो मूवी कितनी देर तक एग्जैक्टली चालू थी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का एक कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था हमने, सेम उसी तरह का कॉलम ड्रॉ करना है। एक कॉलम में आवर्स लिखना है, दूसरे कॉलम में मिनट लिखना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3:45 को वो मूवी शुरुआत होने वाली थी यानी आवर्स 3 hours and 45 minutes। इसी तरह से 2:30 यानी 2.5 यानी 2:30 में मूवी ख़त्म हो गई यानी 2 hours के कॉलम में, 30 minutes के कॉलम में। अब इसकी करनी है हमें एडिशन। अब हम क्या करेंगे, 5 + 0 5 4 + 3 7 और 2 hours 3 + 2 यानी 5। अब देखिए ये होगा आपका 5 hours and 75 minutes। तो आपको पता होगा 60 minutes इज इक्वल्स टू 1 hours। ये होगा आपका 1 hours। ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, 75 में से 60 माइनस करेंगे यानी हमको क्या मिलेगा, 1 hours मिलेगा अगर हम 60 माइनस करेंगे। तो देखिए 75 - 60 यानी क्या, माइनस करें तो क्या होगा, 15। अब यहाँ पे से अगर 60 माइनस किया है तो यहाँ पे हम 1 एक ऐड करेंगे, 1 hours यानी 60 मिनट माइनस किया यानी 1 hours निकला। तो 1 hours यहाँ ऐड करें तो ये हो गया आपका 6 यानी 6 hours and 50 minutes पे
वो मूवी एंड हो गई। तो एग्जैक्टली आंसर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, द मूवी एंड एट 6 hours and 15 minutes। तो ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 6 hours and 50 minutes। तो अब ये 6 hours and 50 minutes हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 50 minutes past 6। इसका मतलब हुआ 6:15 पे वो मूवी एग्जैक्टली खत्म हो गई। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।